बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी विषय में सीढ़ीदार खेत इस पाठ के अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। पिछली कक्षा में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य के कुछ प्रश्नों को पूरा कर चुके हैं। बच्चों, पूरा कर चुके हैं ना? आगे के प्रश्नों को आज हम यहाँ पर पूरा करेंगे। चलिए बच्चों, आप सभी अपनी हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तक निकालिए और अपने हाथ में एक पेन भी ले लीजिए। हो गया बच्चों? पिछली कक्षा में जहाँ तक हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को पूरा कर लिया है, उसके आगे के प्रश्नों को आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बच्चों, प्रश्न दो, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। अब लिंग किसे कहते हैं बच्चों? शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है, शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंग। अब लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं बच्चों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। समझ में आ गया बच्चों कि लिंग किसे कहा जाता है? अब देखिए, आपकी पुस्तक में क्या दिया हुआ है? आपकी पुस्तक में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो कॉलम दिया गया है। अब स्त्रीलिंग के नीचे दिया हुआ है, हमें उसका पुल्लिंग लिखना है। तो लिखिए बच्चों अपनी पुस्तक में, महिला, महिला का पुल्लिंग क्या होगा? पुरुष। लड़की, लिखिए वहां पर पुरुष। अब लड़की, लड़की के सामने लिखिए लड़का। उसके नीचे देखिए मालिन, मालिन के सामने माली। हो गया बच्चों लिखकर? चलिए आगे बढ़ेंगे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, अभिनेत्री, उसके सामने लिखिए अभिनेता। उसके नीचे देखिए कवयित्री, उसके सामने लिखिए कवि। हो गया? चलिए आगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिया हुआ है, तो पुल्लिंग के नीचे लिखा हुआ है, हमें उसका स्त्रीलिंग लिखना है। सेठ, सेठ का स्त्रीलिंग सेठानी, लिखिए वहां पर अपनी पुस्तक में, सेठ के सामने सेठानी। युवक, युवक के सामने लिखिए युवती। सम्राट, सम्राट के सामने लिखिए बच्चों सम्राज्ञी। उसके नीचे देखिए विद्वान, उसके सामने लिखिए विदुषी। उसके नीचे देखिए बादशाह, उसके सामने लिखिए बेगम। हो गया? आगे बढ़ेंगे बच्चों। नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों से तीन तीन शब्द बनाइए। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों? जब किसी शब्द में दो या दो से अधिक व्यंजनों को मिलाकर एक साथ, जब किसी शब्द में दो या दो से अधिक व्यंजनों को मिलाकर एक साथ बोला या लिखा जाता है, बोला या लिखा जाता है, तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। उदाहरण के रूप में देखिए बच्चों, मैं बोल रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। बच्चा, खट्टे, बिल्ली, है ना?
चलिए बच्चों, अब हम अपनी पुस्तक में जो संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं उनसे तीन तीन शब्द बनाने हैं। तो चलिए लिखिए अपनी पुस्तक में। मम, उसके सामने लिखिए सम्मान, उसके सामने लिखिए अम्मा, चम्मच। क्या तीन शब्द बने? सम्मान, अम्मा, चम्मच। अब उसके नीचे देखिए बच्चा, सच्चा, कच्चा। बच्चा, सच्चा, कच्चा। अब उसके नीचे देखिए सत्ता, पत्ता, कुत्ता। गुब्बारा, लिखिए बच्चों, मात्रा की गलतियां नहीं होनी चाहिए, अक्षर साफ, छोटे और सुंदर लिखिएगा। बब के सामने गुब्बारा, 26, मुरब्बा। मैं वापस से दोहरा रही हूँ, सम्मान, अम्मा, चम्मच, बच्चा, सच्चा, कच्चा, सत्ता, पत्ता, कुत्ता, गुब्बारा, 26, मुरब्बा। हो गया बच्चों आपका लिखकर? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 4, विशेषण और विशेष्य के जोड़े बनाइए। विशेषण और विशेष्य के जोड़े बनाइए। अब विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? किसे कहते हैं विशेषण? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं बच्चों। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए विशेषण के सामने क्या, नीचे क्या लिखा हुआ है? चमचमाती, ऊनी और समतल। विशेष्य के सामने क्या लिखा हुआ है? नीचे मैदान, खेत, पत्तियां। उसी तरह से आगे देखेंगे, विशेषण के नीचे ठंडी, सूखी और विशेष्य के नीचे धूप, हवा। हमें क्या करना है बच्चों? हमें विशेषण को विशेष्य से मिलाना है। चलिए आगे देखेंगे और अपनी पुस्तक में भी लिखिएगा। विशेषण और विशेष्य दिया हुआ है ना आपकी पुस्तक में, इस तरह से आपको वहां पर मिलाना भी है और सामने लिखना भी है। तो चमचमाती, चमचमाती को किससे मिलाइए? धूप से, और सामने लिखिए भी चमचमाती धूप। नीचे आ जाइए, ऊनी, ऊनी को कपड़े से मिलाइए और सामने लिखिए भी ऊनी कपड़े। अब उसके नीचे देखिए समतल, समतल को मैदान से मिलाइए भी और सामने लिखिए भी समतल मैदान। ठंडी, ठंडी को हवा से मिलाइए और सामने लिखिए भी ठंडी हवा। सूखी, सूखी को पत्तियां से मिलाइए, सूखी पत्तियां। हो गया लिखकर? सामने लिखिए भी सूखी पत्तियां। चमचमाती धूप, ऊनी कपड़े, समतल मैदान, ठंडी हवा, सूखी पत्तियां। तो बच्चों, यहां तक के अभ्यास कार्य को हमने पूरा कर लिया। अब इसके आगे का अभ्यास कार्य हम अगली कक्षा में करेंगे। मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूंगी। धन्यवाद बच्चों।